मोहम्मद खान जुनेजो। मोहम्मद खान जुनेजो पाकिस्तान के 10वें वजीर आजम थे जो 18 अगस्त 1932 को सूबा सिंध के इलाके सिंधड़ी में पैदा हुए। बरतानिया से ज़राअत की तालीम में डिप्लोमा हासिल किया। उन्होंने सियासी जिंदगी का आगाज 21 साल की उम्र में किया। अयूब खान के दौरे हुकूमत में रेलवे, सेहत, लेबर और वजारत इत्तला नशरियात इंतजामिया से वाबस्ता रहे। 1962 में आपको मगरबी पाकिस्तान से सूबाई असम्बली का रुकन मुंतखब किया गया। जुलाई 1963 में वो मगरबी पाकिस्तान की काबीना के वजीर बने। 1985 के गैर जमाती इलेक्शन में आपने कामयाबी हासिल की और जनरल जियाउल हक ने आपका नाम वजीर आजम के लिए नामजद किया और आपने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। यूं आप पाकिस्तान के वजीर आजम बनने में कामयाब हो गए। उन्होंने अवामी मफाद की खातिर कई पॉलिसियों का इजरा किया और आजादी सहाफत की खातिर भी काम किया। आजादी सहाफत की खातिर उन्हें जियाउल हक की तरफ से नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। बतौर वजीर आजम कई निकात पर जनरल जियाउल हक से कशीदगी हुई, जिनमें ओजड़ी कैंप धमाके के मामले पर जनरल जियाउल हक ने 8वीं तरमीम इस्तेमाल करते हुए जुनेजो हुकूमत को खत्म कर दिया। बतौर वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद खान जुनेजो की शोहरत पाकिस्तान के ऐसे ईमानदार सियासतदान और शख्स की रही जिनका दामन करप्शन और अकरबा परवरी से पाक था। वो सादगी और शराफत का पैकर थे। मोहम्मद खान जुनेजो 18 मार्च 1993 को तवील अलालत के बाइस इंतकाल कर गए।